हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं एबीएम डिजिटल क्रिकेट स्पेशल। दोस्तों, दूसरे घर की बैल और क्रिकेट में आईपीएल देखने में बहुत ही मज़ा आता है। बुड्ढे से लेकर बच्चे तक सब दीवाने होते हैं आईपीएल में। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, तो फटाफट बात करते हैं हम क्रिकेट की मिनी ऑक्शन की। मिनी ऑक्शन में ग्रैंड मैक्स बेल मैक्स साबित हुआ। उसको पंजाब की टीम ने 10 करोड़ में पिछली बार छोड़ा था। इस बार बेंगलोर की टीम ने 14 करोड़ 25 लाख में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया। बेंगलोर बहुत ही खुश होंगे ग्लेन मैक्सवेल को अपने टीम में शामिल करने के बाद। और बात करें दोस्त, कैल जेविसन को खरीदा है 15 करोड़ में। कैल जेविसन बहुत ही अच्छे प्लेयर है। और जैमी रिचर्डसन को पंजाब की टीम ने 14 करोड़ में खरीदा है। बहुत ही अच्छा प्राइज है 14 करोड़। सभी फास्ट बॉलर को बहुत ही बढ़िया रकम मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें आप कृष्णप्पा गौतम की, तो कृष्णप्पा गौतम को 9 करोड़ 25 लाख में चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। मोइन अली को 7 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। दोस्तों, अगर बात करें शिवम दुबई को, तो राजस्थान रॉयल ने 4 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। वहीं स्टीव स्मिथ को दोस्तों दिल्ली डेवर्स ने खरीदा है 2 करोड़ 20 लाख रुपए में, जो बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है, फिर भी स्टीव स्मिथ बिक चुके हैं। उसकी अगर बात करें दोस्तों, इस बार आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं क्रिस मॉरिस ने सबसे ज़्यादा पैसे लिए हैं इस बार आईपीएल में। और बहुत ही अच्छे प्लेयर है। 16 करोड़ 25 लाख में क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल ने अपने टीम में शामिल किए हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी रकम है इस आईपीएल में क्रिस मॉरिस ने राजस्थान में गए हैं 16 करोड़ 25 लाख में। और बात करें दोस्तों अगले प्लेयर डेविड मलान को बहुत ही कम रकम मिला है, 1.5 करोड़ में खरीदा है उसको। और बात करें कृष्णप्पा गौतम की, तो चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है उसे। और शिवम दुबे के राजस्थान रॉयल ने 4 करोड़ 40 लाख में खरीदा है दोस्तों। और पीयूष चावला को मुंबई ने लिया है 3 करोड़ रुपये में। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब। जय हिंद।